होगा। चलो राम राम जी। सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोलगा पर बोल। इस टाइम भाई आप सामड़ी काम मारे हाँ, हरियाणा भाई पहले लुकाया करते हरी चुनरी चौपाल है, आज तो कुछ नहीं देखने ने मिले है, और बाकी लुकाइया की भीड़ गणी है। और इस टाइम भाई इनेलो की महिला प्रदेश अध्यक्ष आ रही है भाई सुनैना चौटाला जी। ये भी इनता पूछा गया लोगा भाई सा के हो गया, जो जे जे पी वाले भी उड़ लगा नहीं आने लग रहे और पार्टियां में तब आने लग रहे हैं, तो यहाँ पूछा गया भाई आज। नमस्कार जी। राम राम। और ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम जी एक बार बताओ, आपने अब गाँव में जा रही हो, कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपने? देखो मैं जिस भी गांव में जा रही हूँ, एक बात सबसे पहले, जैसे एक यहाँ पे आपने अभी भी ताई जी देखी होंगी, ऐसी महिलाएं मुझे हर गांव में मिलती हैं कि वो एक ही बात कहती है, उन्हें ये नहीं पता कि बेटी तू एक काम कर दे, हाथ जोड़ के इस बीजेपी का रोग काट दे। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि ये बीजेपी का रोग आपकी वोट से कट जाएगा। तो इसीलिए मैं भाषण में भी कहती हूँ कि ये रोग जो है आप काट दो और इस बीजेपी को सत्ता से दूर करो। तो मैडम अभी आपने जो भाषण दिया उसमें आप टोटली टारगेट खट्टर को कर रही है, और जिसमें उप मुख्यमंत्री भी तो बराबर का हिस्सेदार है जी, उसमें उनको कुछ भी नहीं बोल रहे आप? नहीं, मैं तो पूरी, अब आपको एक बात बोलूं कि जब उनका कैंडिडेट ही यहाँ पे नहीं खड़ा करा तो वो तो विलय हो गए। अच्छा, उस पार्टी का तो मैं नाम ही नहीं मानती कि जेजेपी भी कोई पार्टी रही है क्या? आपको लगता है किसी को, आप गांव में पूछो, वो कहते हैं सारे गांव वालों ने आज ये बात बोली है। अजय सिंह जी चौटाला आए थे, उनको सामने मुँह पे बोला है कि जी देखो आपने आगे धोखा कर लिया, अब हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, आप चौधरी देवीलाल के पोते हैं इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं आप यहाँ से चले जाओ, हम वोट नहीं देंगे। ये आप ही के विरुद्ध हल्के की घटना है। अब उचाने वाले भी आ रहे हैं जी इनके विरोध में आ रहे, पहले इनको जिताया उन्होंने, अब वो बोल रहे हमसे गलती हो गई, बड़ौदा वाले तुम गलती ना करना, और अब वे किसको समर्थन दिलवाए जी? देखो जी, जो उनसे गलती हुई, अगर आप देखें तो हरियाणा प्रदेश में जो मैंडेट आया था वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आया था, और इस भारतीय जनता पार्टी को हमारे ऊपर थोपने वाली यदि कोई पार्टी है तो वो जेजेपी है। मैं जिक्र नहीं करना चाहती थी लेकिन आपने जिक्र करा तो मैं ये बता रही हूँ, वो जेजेपी है। जेजेपी ने जब इतना हमारे किसानों के वोट लेके और फिर भारतीय जनता पार्टी को बेच दिए, तो वो किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो यदि देखा जाए तो नैतिकता के आधार पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस टाइम आप गाँव में आ रही हो, कैसा माहौल हो गया? मतलब अब जेजेपी वाले भी आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, और दूसरे को आप पार्टी ज्वाइन करवा रहे हो, और अभय चौटाला ने बोला है मैं गद्दारों को किसी भी कीमत पर पार्टी में ज्वाइन नहीं होने दूंगा। हाँ जी, मैं अपने भाषण में बोल के आई हूँ कि गद्दार है केसी बांगड़ जैसे, जिन्होंने पार्टी के शीर्ष पदों पर काम किया और फिर उसी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा, वो गद्दार है। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जिन्होंने हमें कार्य करके दिया, जो जेजेपी के भी कार्यकर्ता रहे, उनका हमारी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। वो किसी तरीके से भटक गए थे, उनका स्वागत, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन केसी बांगड़ जैसे लोगों को हम गद्दार कहते हैं। मतलब पार्टी में सबका स्वागत और गद्दारों को एंट्री नहीं है? नहीं जी, गद्दार का क्या भरोसा, गद्दार पे भरोसा करने वाला ये चाणक्य नीति है कि गद्दार पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। अब बड़ौदा में आ रही हो आप, बड़ौदा में अब आपकी पार्टी किस नंबर पे स्टैंड कर रही है और कितने मतों से आपकी पार्टी जीत सकती है? देखिए, ये बड़ौदा हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है, और मैं तो आपको इतना ही कहूंगी, इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर ये गढ़ जीतने जा रही है। तो एक आखिरी सवाल जी, इस टाइम का मतलब बड़ौदा वाले आपको वोट क्यों दे? आपकी ना ही सरकार है, ना ही आप विपक्ष में हो, आपका केवल एक कैंडिडेट है जीता हुआ है जो अभय सिंह चौटाला है, तो बड़ौदा वाले आपको किस आज से वोट दे जी? मैं एक ही बात कहूंगी कि बड़ौदा वाले सारे सोशल मीडिया देखते हैं, सब विधानसभा का सत्र भी देखते हैं, तो उस विधानसभा सत्र में यदि कोई आवाज़ उठाता है तो वो कौन है? वो हमारा एक जरूर है, लेकिन 1.25 लाख के बराबर है अभय सिंह जी चौटाला, वो आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वोट दें। दूसरा, ये जो कांग्रेस वाले जो बैठे हैं, जब ये अध्यादेश पास हो रहे थे तो ये इसमें शामिल थे, क्योंकि यदि विपक्ष नकार देता तो ये अध्यादेश किसानों के ऊपर नहीं आते, इसलिए वोट दें। तो उनके पास केवल और केवल एक ही पार्टी बचती है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो किसानों की सदैव से अपनी है और अपनी रहेगी। और किसान मेरे भाई जितने भी हैं बड़ौदा में, मेरी माताएँ अपनी जो इनके साथ जो जातियाँ हुई हैं वो ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मत देके
इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ से विजयी बनाए। ओम प्रकाश जी चौटाला ने, आपने पूछा क्यों दें, ओम प्रकाश जी चौटाला ने बरोदा हल्के को शुगर मिल दी है। ओम प्रकाश जी चौटाला ने किसानों के लिए अनाज मंडी दी है। ओम प्रकाश जी चौटाला ने व्यापारियों के लिए सब्जी मंडी दी है। ओम प्रकाश जी चौटाला ने सड़कों का जो निर्माण कराया उसके बाद आज तक नहीं हुआ, आप गांव की सड़क देख लो चाहे। ओम प्रकाश जी चौटाला ने रजबाहे बनवाए। ओम प्रकाश जी चौटाला ने गोहाणा की लड़कियों का कॉलेज बनवाया, यहाँ के किसानों को शुगर मिल देने का काम करा। और जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन्होंने एक है ना आपकी सेम की निकासी के लिए दो पंप लगवाए थे, उनमें से एक पंप गायब है। तो मेरा बरोदावासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, जब हुड्डा साहब आए तो उस एक पंप का पता ज़रूर पूछें। और मैं ये बताना चाहूँगी कि वो एक पंप उनके खुद के गांव में लगा हुआ है, तो जो इंसान यहाँ का हक वहाँ लेके जाए वो आपके हितैषी नहीं हो सकते। फिर उनके जो इंदूराज कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने कोई 2009 में गोली चलाई थी, 2006 में गोली चलाई थी, 2020 में उनके फादर ने 10,000 में वोट बेच दिए थे, मतलब अपने नरवाल खाप के जिला परिषद के। और उन्होंने एक अपनी जो खुद परिवार में जो उनकी कोई भाभी थी उनको भी नौकरी से किसी हटवा दिया था। तो ऐसे कई कारनामे उन्होंने किए, तो कांग्रेस को तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीब को और गरीब और किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया है उस आधार पे वोट नहीं देने चाहिए। तो बचा कौन, इंडियन नेशनल लोकदल, ताऊ देवीलाल, जिन्होंने सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ जन के कल्याण के कार्य किए, उनको ना छोड़ें। और यही पार्टी उस नक्शे कदम पे चल रही है, बाकी जेजेपी वगैरह कोई मैं नहीं मानती कि उनके नक्शे कदम पे। मैडम एक आखिरी सवाल ये था, मतलब आपकी पार्टी इस टाइम किस नंबर पे स्टैंड कर रही है और आपका कैंडिडेट कितने मतों से जीत जाएगा, आप कितने की संभावना सोच रही हो? मैंने आपको उसका जवाब सबसे पहले दिया कि हम इस गढ़ को जीतने जा रहे हैं। जीत का मतलब जीत होती है, गढ़ जीतना का मतलब भारी मतों से जीतना। अच्छा, मतलब एक और 11 हो जाएगा, एक और 11 हो जाएगा। धन्यवाद। तो जी ये थी सुनैना चौटाला जी, और अब देखा है भाई कुकर के रहा होगा इनका, ये बात का देखा है भाई, ये गढ़ जीत गए के करा गढ़ में सेंध लावागे। तो भाई देख दे रही अपना चैनल नुए देख दे रहो भाई, आगे तक कमेंट कर दो। धन्यवाद भाई।